हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। इंडिया अगर आना है किसी को तो डीजीसीए का जो गाइडलाइन है, जो नियम बनाया है, उसके तहत ही आना होगा। अब जो नियम डीजीसीए जो बना रहा है इंडिया में प्रवेश करने के लिए किसी भी यात्री को, वो जो कोरोना का जो प्रकोप है इसके हिसाब से जो गाइडलाइन है पूरी बनाई जा रही है। चाहे वो दिल्ली में रुकने वाला गाइडलाइन हो या आप मुंबई में उतरते हैं तो भी आपको मुंबई में क्वारंटाइन करना होगा। यानी अब कोई भी आदमी सीधा घर नहीं आ सकता है जब तक कि वो क्वारंटाइन उसका कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि जो ओमिक्रॉन है ये बहुत ही ख़तरनाक है। इसको लेकर के जो इंडियन स्वास्थ्य मंत्री है उन्होंने कहा है कि अब जो भी आदमी इंडिया में एंट्री करेगा उसको सबसे पहले क्वारंटाइन होना पड़ेगा, ख़ास करके उन देशों से जहाँ ये कोरोना पाया जाता है। ओमिक्रॉन ये जहाँ पाया जाता है उनके ऊपर ख़ास तौर पे ध्यान दिया जा रहा है, और जहाँ ये जो वेरिएंट है नहीं पाया जाता है वहाँ के लोगों को भी क्वारंटाइन में रखा जाएगा। तो इसी पे हम बात करेंगे दोस्तों कि जो नया डीजीसीए का गाइडलाइन आया है, क्या क्या गाइडलाइन है ये मैं आपको बताऊँगा। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और शेयर भी कर दीजिएगा। भारत ने अपनी इंटरनेशनल उड़ानों की शुरुआत तो कर दी है, मगर दक्षिण अफ्रीका में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर के देशों में दहशत फैल गई है, जिससे एयरलाइंस के अधिकारी एयरपोर्ट पर यात्रियों पर नियम कानून लगाने में जुट गई है। कई देशों ने तो साउथ अफ्रीका के 7 देशों के यात्रा प्रतिबंध ही लगा दिया है। भारत ने इस नए वेरियंट के चलते अपने यहाँ विदेश से आने वाले यात्रियों पर क्वारंटाइन पीरियड में रहने की अनिवार्य कर दिया है, मगर यूएई से आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जी हाँ, संयुक्त अरब अमीरात से दक्षिण भारत यानी कि केरल जाने वाले यात्रियों को 7 दिनों के लिए अनिवार्य संगरोधक में नहीं रहने होंगे, क्योंकि केरल सरकार ने पहले इस वेरियंट से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। बता दें कि केरल का अनिवार्य क्वारंटाइन नियम और अन्य कड़े यात्रा प्रोटोकॉल केवल उन यात्रियों पर लागू होंगे जो भारतीय केंद्र सरकार द्वारा निर्देश देशों के प्रतिबंधित व रेड लिस्ट देशों से आएंगे। वर्तमान में भारत की जोखिम सूची में शामिल देश है यूके, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील, बांग्लादेश, बुसानिया, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इसराइल सहित यूरोपीय देश है। इन देशों के यात्रियों को आगमन के दौरान क्वारंटाइन में रहना अनिवार्य है। तो कहने का ये मतलब दोस्तों कि सऊदी अरब से जो आएगा उनके लिए थोड़ा ढील दिया गया है, लेकिन अगर एक भी केसेस इस तरह से आया सऊदी अरब से आने वाले में या दुबई से आने वाले में, तो उनको भी क्वारंटाइन किया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है और बुरी खबर भी है। तो मुझे लगता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।